सत श्रीकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हाँ थोड़ा अपना गुरविंदर सिंह, तुसी देख रहे हो बाजवा एंड संधू ब्लॉग। बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉग है इस दा। गलबात करांगे कि जेकर तुहाडा रिजल्ट नहीं आ रहा तो की करना चाहिए, यानी कि आज के वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा तो आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको वेब फॉर्म रेज करना चाहिए, क्या आपको डेफर कर देना चाहिए नेक्स्ट इनटेक के लिए, कैसे डेफर करना चाहिए कि नेक्स्ट इनटेक की सीट मिल जाए आपको, और मोर ओवर अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा और लॉन्ग टाइम से नहीं आ रहा तो क्या आप अपनी फाइल विड्रॉ करा सकते हो या नहीं। आज के वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे, यानी आज दे वीडियो दे विच इसी टॉपिक दे उत्ते गलबात करांगे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम किसी तरह की भी वीजा फाइलिंग नहीं करते, सो कभी किसी तरह का प्रमोशनल कंटेंट बनाने की हमारी कोशिश नहीं होती। असी वीजा फाइलिंग नहीं करते, सो मकसद यही होंदा तुहाडे तक सही ऑथेंटिक और रियल इंफॉर्मेशन पहुंचे, किसी भी तरह का प्रमोशनल कंटेंट ना तैयार किया जाए। अगर आप एसओपी में कोई हेल्प चाहते हो, केप्स नोट वगैरह अप्लाई करना चाहते हो तो आपका वेलकम है, नहीं तो आप वीजा फाइलिंग के लिए कॉल ना करा करिए। अगर आपकी फाइल को लेके आपका कोई डाउट है, तुहाडी फाइल नु लेके जेकर तुहाडा कोई डाउट है, कोई कंसर्न है, तो व्हाट्सएप का नंबर दिता हुआ है, व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, इस पे आप अपॉइंटमेंट ले लो और जो अपॉइंटमेंट का टाइम होगा उस हिसाब से कॉल बैक करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपका हर डाउट क्लियर करूं। अब देखो वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो में मैंने पहले ही आपको बताया था कि तीन टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर आपका वीजा नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, और खास करके स्टूडेंट वीजा के लिए आज की वीडियो है, इस चीज का ध्यान जरूर रखना। देखो अगर आपका, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपका अगर इनटेक मई है, यानी कि मेन टेक है जो बिल्कुल सर पे है, और आज से मेन टेक शुरू भी हो चुका है लगभग में, कई कॉलेजेस में तो क्लासेस वगैरह शुरू हो गई, किसी में 8 तारीख को क्लास शुरू होगी, 12 को, 16 को, 18 को, कोई कोई कॉलेज है जो 18 तक आपको रिलीफ देगा कि आप जो है पहुंच जाइए और क्लास अटेंड कर लीजिए। एक चीज और है, कभी कभी एक्सटेंशन मिलता है आपको और कभी कभी एक्सटेंशन भी नहीं मिलता है, और एक्सटेंशन सिर्फ उसी कंडीशन में मिलता है जब आपका वीजा आ जाता है और आप कॉलेज को इन्फॉर्म करते हो जी वीजा आ गया है और स्टैंप करवा के हम आ जाएंगे, तो वो कॉलेज की मर्जी है कि आपको एक्सटेंशन दे या ना दे। लेकिन डेफर के बारे में बहुत जरूरी, आज की वीडियो खास करके डेफर को ध्यान में रखकर ही मैंने बनाई है। देखो अगर आपका वीजा अभी तक नहीं आया है तो आप बिल्कुल डेफर कर दो फाइल, अपनी फाइल को नेक्स्ट इनटेक के लिए डेफर कर दो, अपने कॉलेज से नई एलॉय ले लो और नई एलॉय जो है वो अपडेट कर दो वेब फॉर्म के थ्रू एम्बेसी को भी, ठीक है। और एक चीज और बताता हूं, कई बार आपको जो नेक्स्ट इनटेक है उसमें सीट की अवेलेबिलिटी की इशू आ रही है, तो अगर तो आपकी एलॉय जो है अपडेटेड है, अभी उसकी वैलिडिटी है, तो आप थोड़ा और वेट कर लीजिए। जनवरी इनटेक की बजाय जब आपका वीजा आ जाएगा आप कोर्स चेंज कर उसी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। नंबर एक चीज, अगर आपका इनटेक जो है वो अगला सितंबर इनटेक मिल रहा है आपको, तो आप बिल्कुल अगले इनटेक में डेफर कर जाओ। और दूसरी चीज, कई बार बच्चे जो हैं वो थोड़े ढीले पड़ जाते हैं और एजेंट ये सोचता है चलो वीजा आ जाएगा, देख लेंगे, डेफर करेंगे नहीं करेंगे, और इसी कंडीशन में क्या होता है कि जो नेक्स्ट इनटेक की सीट्स होती हैं सितंबर इनटेक की, मई की सीट बचाते बचाते सितंबर इनटेक की सीट भी हम गवा बैठते हैं, तब फिर हमको जनवरी इनटेक मिलता है। सो ये ध्यान रखना कि अगर आपका वीजा नहीं आया है तो आप कॉलेज के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दीजिए कि आप जी हमें सितंबर इनटेक के लिए डेफर दे दो, या सीट अवेलेबिलिटी का क्या सीन है, आप उनसे बात करना शुरू कर दीजिए। ये हुई डेफरमेंट की बात। अब बात आती है कि अगर आपका वीजा नहीं आ रहा है तो क्या आपको वेब फॉर्म रेज करना चाहिए। देखो वेब फॉर्म रेज तब करना चाहिए रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपका टाइम पीरियड जो canada.ca पे दिया हुआ है प्रोसेसिंग टाइम, अगर 8 वीक का जब भी आप वीडियो देख रहे हो उस हिसाब से देख लेना, canada.ca पे जाकर चेक कर लेना, 8 वीक, 10 वीक या 9 वीक या 7 वीक जितना भी दिया हुआ है, अगर उससे ज्यादा टाइम हो गए आपको बायोमेट्रिक दिए हुए, तो आप जो है वेब फॉर्म रेज करके अपने फाइल का स्टेटस जानने के लिए वेब फॉर्म वगैरह जो है वो रेज करिए कि रिजल्ट मेरा जल्दी दो, मेरी भाई क्लासेस है। अगर आपका टाइम पीरियड अभी वो टच नहीं किया है तो आप वेब फॉर्म को अवॉइड करिए। और एक चीज और है,
वेब फॉर्म रेज करने का भी एक तरीका होता है कि आप 15 दिन में सिर्फ एक वेब फॉर्म रेज करिए, 15-20 दिन के बाद ही अगला वेब फॉर्म रेज करिए, अदरवाइज 15-20 दिन जो है आप वेट करिए। ये हो गई वेब फॉर्म की बात। अब उसके बाद में बात आती है क्या फाइल को विड्रॉ करा लिया जाए। देखो, अगर तो आपकी फाइल को 2-3 महीने का टाइम हुआ है तो आप बिल्कुल भी फाइल को विड्रॉ ना कराइए, आप रिजल्ट का वेट करिए। अगर आप 6-7 महीने से रिजल्ट की वेट कर रहे हो तो भाई, अगर तो आपके कोई मेडिकल का इशू था तो आपकी फाइल होल्ड हुई पड़ी है तो आप वेट करिए। अगर आपका कोई ऐसा टेक्निकल सिनेरियो है तो आप बिल्कुल वेट करिए। लेकिन अगर आपकी फाइल पड़ी हुई है, उसको टच तक नहीं किया गया, यानी कि आपकी फाइल अंडर प्रोग्रेस ही चली आ रही है, तो आप फाइल को विड्रॉ करा के दोबारा फाइल लॉन्च करिए, ठीक है। और अगर आप 1 साल से वेट कर रहे हो तो मेरी सलाह है कि अगर तो कोई मेडिकल वगैरह या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिसमें हम विड्रॉ नहीं करते हैं तो छोड़ के उसको आप फाइल विड्रॉ कर लीजिए। अगर 1.5 साल से वेट कर रहे हैं तो बिल्कुल कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से उस सूरत में, क्योंकि अभी जो प्रोसेसिंग टाइम है ना, अगर ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो जो प्रैक्टिकली रिजल्ट आ रहे हैं स्टूडेंट वीजा के, वो 5-7 दिन में भी रिजल्ट आ रहा है, 10 दिन में भी आ रहा है, और नॉन SDS केसेस के 15 दिन के अंदर अंदर ज्यादातर रिजल्ट आ रहे हैं। और SDS केस के या ओवरऑल स्टडी वीजा की बात की जाए तो 1 महीने या 1.5 महीने में मोस्ट ऑफ केसेस के रिजल्ट आ जा रहे हैं, किसी किसी को इससे ज्यादा टाइम लग रहा है, अदरवाइज ज्यादातर के रिजल्ट जो है इन बिटवीन ही आ जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपकी फाइल को लेकर आपकी कोई कंफ्यूजन है अभी भी तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए। आपको जो अपॉइंटमेंट देगी हमारी टीम, जो भी अपॉइंटमेंट साड़ी टीम देगी, उसके हिसाब नाल मैं तुहानू कॉल बैक कर लांगा, कोशिश करांगा कि तुहाडा हर कंसर्न दूर किया जाए। असी किसी तरह की वीजा फाइलिंग नहीं करते, इस करके कॉन्टैक्ट ना कराया करो। अगर आप केप्स नोट SOP में कोई हेल्प चाहते हैं तो आपका वेलकम है। अगर आप फाइल अपनी डिस्कस करना चाहते हो तो आपका वेलकम है। हम आपकी फाइल के बारे में आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि आप किस इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करो या किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, कौन सी कंट्री अप्लाई करना चाहिए, कौन सी लोकेशन में अप्लाई करना चाहिए, कौन से कोर्स में अप्लाई करना चाहिए, या आपकी प्रोफाइल के हिसाब से क्या प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ये चीज़ हम आपको गाइड कर सकते हैं। और हम वीजा फाइलिंग नहीं करते, सो इंडिपेंडेंटली ऑनेस्टली हम आपको गाइड कर सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं ब्लॉग पसंद आया होगा, ये इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिलहाल इतना ही, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।